मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मटन में वैरायटी जो कि एक पारसी डिश है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको काम, इसका जो नाम है सॉरी वो है सली बोटी। तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, तेल आप करेंगे गरम, आप इसे घी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हाफ अ कप जितना तेल है, दो अदद इसमें आप डालेंगे तेज़पात, दो अदद दालचीनी के टुकड़े हैं जो एक एक इंच के हैं, साबुत काली मिर्चें जाएंगी 10-15 आप डाल लें, लौंग जाएंगी 8-10, सब्ज इलायचियाँ डाल लें 8-10, ठीक है। और ये आपको बताइए कि तेल में ड्राई स्पाइसेस जाते ही अपना जायका छोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल होता है, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 4 दरमियाने साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया है। अगर आप ग्राइंड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं और जो है कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो ये ग्राइंड किए हुए 4 प्याज जा रहे हैं बीच में। इसके साथ ही अब आप ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून है, फ्लेम को हाई पर रखिएगा। और यहाँ पर आपने जो है प्याज को बहुत अच्छे से जितना इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप प्लीज़ कर लीजिएगा। तो क्योंकि ग्राइंडेड है आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है कलर चेंज करते हुए। तो ये इसको अच्छा सा गोल्डन सा इसका कलर हो जाए, डार्किश ब्राउनिश आप, फिर उसके बाद फिर दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है। तो ये देख लें, ठीक है, यहाँ पे प्याज का कलर अच्छा सा सुनहरे रंग की तरफ आ गया। अब इसमें आप ऐड करेंगे टमाटर, 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे मेरे पास जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया इनटू अ पेस्ट। मसाले जाएंगे, नमक जाएगा 1.5 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून है, गरम मसाला मेरा होममेड है ये 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून है, हल्दी हो गई 1/2 टीस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और मीडियम फ्लेम कर लें और यहाँ पर जो अच्छे से इसको भून लेंगे मसाले को, यहाँ तक कि जो टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और तेल या घी जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो ये देख लें, ठीक है, तमाम पानी खुश्क हो गया, तेल सरफेस पर आ रहा है। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि मटन है, आप इसको लैब में भी बना सकते हैं, ठीक है, चिकन में भी बनाया जा सकता है लेकिन ज़्यादातर ये मटन में बनाते हैं तो वो आपकी बाकी चॉइस है। इस मसाले में गोश्त को अच्छी तरह पहले आप यहाँ पर 4 से 5 मिनट की हाई फ्लेम पर भून लें और फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें आप ऐड करेंगे। थोड़े से भून लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना सिरका, गुड़ जाएगा इसमें 1 टीस्पून जितना, और खुबानी जो है आप इसमें डालेंगे 6 अदद डाल लें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें यहाँ पर और इसको मज़ीद और यहाँ पर हाई फ्लेम पर हमने भून लेना है। 3 से 4 मिनट और देंगे, 1 किलो मटन है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको भूनते हुए फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। मज़ीद और भून लेने के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे पानी, क्योंकि ये मटन है ये टाइम लेता है कुक होने में। अगर चाहते हैं तो यही प्रोसेस कर कर आप प्रेशर कुकर में भी इसको बना सकते हैं और प्रेशर कुकर में आपको जो है मटन को गलाने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। हाई फ्लेम पर उसको आप प्रेशर कुकर कर लें, ठीक है, और पानी भी उसमें कम इस्तेमाल होता है क्योंकि हम एक सादी हांडी में बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 1.5 ग्लास से लेकर 2 ग्लास तक जितना पानी चाहिए होगा। इसमें पानी ऐड करते हैं, मैंने फ़िलहाल 2 ग्लास डालें, ठीक है, ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम आप हाई पर रखेंगे, जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर कुक कर लीजिएगा, यहाँ तक कि जो आपका मटन है परफेक्टली टेंडर यानी कि गल जाना चाहिए, इसमें सख्ती नहीं होनी चाहिए गोश्त में। और इसे ढककर कुक कीजिएगा और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो ये देख लें, यहाँ पर सालन परफेक्टली तैयार हो गया है। इस पर आप ऐड करेंगे हरा धनिया, ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं डिश आउट, इसी के साथ इसे बनाते हैं। और इसको सर्व करते वक्त आप इस पर जो सेव होती है थोड़ी सी इसी के से स्प्रिंकल कर देते हैं जो कि बेसिकली आलू के साथ बनी होती है।
इसी के साथ इसको सर्व करते हैं और ये बिल्कुल एक डिफरेंट रेसिपी बनती है, जरूर ट्राई कीजिएगा, सर्व कीजिएगा गर्मा गर्म रोटियां हो जाए, तंदूर की रोटी, नान, दैट्स योर चॉइस, चावलों की शकीन, इसको सफेद या चावलों के साथ में जो बॉइल्ड होते हैं, या फिर तड़के वाले ब्राउन राइस के साथ में भी खा सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे www.cookwithfaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो भी डाउनलोड कर ली होगी, तो जरूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।